अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मैं बना रही हूँ कबाब, शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने ये गोश्त लिया है, ये मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है, साफ चर्बी लगी हुई है थोड़ी। ये मैंने तकरीबन लिया 1.5 किलो और इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूँगी ये भीगी हुई मैंने दाल भिगो ली थी, इसे ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन ये 2 कप लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं इसे। तो पहले मैंने इसे भिगो लिया था और इसे मैंने अभी डाल दिया है भीगी हुई है। अब इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूंगी प्याज, मैंने एक लिए दरमियाने साइज़ के, इसे स्लाइस कर लिया है। लहसुन है, ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है इस तरह से साबुत। और ज़ीरा है, ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून। लौंग लिए है मैंने और काली मिर्च, ये दोनों 1/2 टीस्पून लिए है। नमक टू टेस्ट है, साबुत लाल मिर्च मैंने लिए है तकरीबन 10 से 12 लिए, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसमें पानी इतना ऐड करूँगी कि ये गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। फिर इसे मैंने इसमें पानी डाल के इस पर रख दिया है चूल्हे पे। अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकाऊँगी और इतना पकाऊँगी कि ये गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। जब ये गोश्त गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे ये गोश्त गल गया था और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसे मैंने इसे ठंडा कर लिया है देखें, और अब मैं इसे पीस लूँगी। इसमें मैं पीसते हुए ये 2 स्लाइस मैंने लिए हैं, ये 2 स्लाइस को मैं भिगोऊंगी पहले पानी में हल्का सा लगा के, फिर मैं इसको पानी निचोड़ के फिर मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमने पीस लिया था बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छे से ये पीस चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैं प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के लिए है वो चॉप कर लिए है मैंने, बारीक चॉप करी है। ये मैंने हरा धनिया लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, पुदीना मैंने थोड़ा सा लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च लिए मैंने 1 टेबल स्पून। इन सबको मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला, ये मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूंगी एक अंडा, उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बिल्कुल, देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से। अब मैं इसके बनाऊँगी कबाब, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। लीजिए, हमारे कबाब रेडी हैं, तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया था और इस पे मैंने डाल दिए कबाब तलने को, और ये देखें कितने मज़ेदार से कबाब रेडी हो रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करेगा मेरी रेसिपी को, ये कबाब रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।